इस वाली गाड़ी की पूरी तरीके से जो कंप्रेसर रहता है, प्रेशर रहता है, वो ख़त्म हो गया। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ताकत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से नीचे जा रही है। ये देखो, पैर रखा कि किक नीचे चली जाती है, पूरी तरीके से इसका प्रेशर ख़त्म हो गया है। इस ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्लच प्लेट स्लिप हो जाती है, क्लच ज़्यादा टाइट होता है तब भी ऐसा होता है, या किक का डॉग ख़राब हो जाता है तब भी ऐसा होता है। लेकिन ये गाड़ी क्या हुआ, इसके ऑनर ने बताया कि चलते टाइम एक साउंड आया था और उसके बाद गाड़ी बंद हो गई और प्रेशर ख़त्म हो गया। तो क्या होता है ना, कई बार जो इसके पुश रोड होते हैं वो ढीले होते हैं और वाल के ऊपर से उतर जाते हैं जब ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, देखेंगे यहाँ पर कुछ हुआ है या कोई और तरीके से ये दिक्कत कर रही है गाड़ी। मेरा कहने का मतलब है कहीं और कोई और प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो गई है। तो यहाँ से देखो, अभी ओपन किया है भाई, इसका तो पीछे वाला जो पुश रॉड है वही टूट गया है। देखो यहाँ से, ये देखो उतरा अलग पड़ा हुआ है, और नट या जो नीचे का होता है टाइट करने का वो अलग पड़ा हुआ है। ये देखो, तो यही साउंड आई थी शायद जब वहाँ पर वो बता रहे थे मुझे कि एक आवाज़ के साथ इंजन बंद हुआ है। तो अभी इसको क्या करना है, ये देखो ये अलग ही पड़ा हुआ है, नट जो नीचे टाइट करने का है ना, ये वाला अलग पड़ा हुआ है। इसके लिए प्रेशर इसका ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब हम किक मारते हैं तो प्रेशर ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही आगे वाला चल रहा है सिर्फ, वाल पीछे वाला तो चल ही नहीं रहा है, उस पर तो ताकत ही नहीं पड़ रही, तो प्रेशर तो डाउन हो ही जाएगा। ये देखो यहाँ से अलग ही टूटा पड़ा हुआ है। अभी क्या करेंगे, इसको एक बार मैं इसको निकाल लेता हूँ पूरा, और ये दूसरा इसमें पुश रॉड डालेंगे, डालने के बाद बाइक को स्टार्ट करेंगे। खोलने की वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में है, क्योंकि इसके ऊपर कई वीडियो हमने पहले से बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी इसको ओपन करते हुए आप टाइमलेस में देखिए। पुश रॉड है जो कि टूट गई थी, यहाँ से देखो, अब अगर ये टूट जाएगी तो प्रेशर तो ख़त्म हो ही जाएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, हम दूसरी चेंज करेंगे इसको। फिलहाल ये नट टाइट करने में शायद कट गई होगी और सामने वाले को मालूम पड़ा कि नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि पहले कहीं काम हुआ होगा, वो सब एक अलग की बात है। लेकिन फिलहाल अभी जो हमने यहाँ पर देखा है, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि इसकी जो पुश रॉड है पीछे वाली वो कट गई है, यहाँ से आप देख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, एक बार मैं इसको टाइमलेस में फ़िट कर लेता हूँ, इसके फिटिंग की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, क्या क्या करना है कैसे करना है आप टाइमलेस में देखिए।
टेपिट की सेटिंग हो चुकी है। देखो टेपिट की सेटिंग में आपको इतना ही रखना है कि ये जो पुश रॉड है ये घुमाने पर घूमनी चाहिए और ऊपर नीचे की पिले नहीं होना चाहिए। इसको आपको पिस्टन को टॉप पर रख के करना है, पिस्टन टॉप पर रहेगा। और टाइट लूज कैसे करना है आपको पता ही है। अब इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं।